देखो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्क पा एनर्जी का टॉपिक है। वर्क पा एनर्जी के अंदर बहुत कुछ करने वाला नहीं है। अगर आप कहो कि बहुत थ्योरियाँ निकल के आएंगी, कोई थ्योरी नहीं है। बस इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग एनर्जी का, और साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम का, और एक आध और टॉपिक है कोलिजन, अगर मिला लेंगे तो। ये तीन चार टॉपिक हैं जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आना है, तो या तो कोलिजन में आएगा या एनर्जी पे आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो एक पक्का आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली कोलिजन या एनर्जी में से 50-50% चांस है कि क्वेश्चन आएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बेसिक से। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें ये देखने वाली बात है कि अगर आपके पास कोई 2 kg का ब्लॉक है और 7 न्यूटन की फोर्स हमने लगाई, तो 7 न्यूटन की फोर्स है इसमें और 1.96 की मान लो फ्रिक्शन गिवन है। अगर मैं ये पूछता हूँ व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो आप इसमें सबसे पहले ये भी, ये वो कह रहा है कि बॉडी 10 सेकंड के लिए मूव करती है बस, तो 10 सेकंड के लिए मूव करती है, नेट फोर्स क्या होगी, 7 में से 1.96 और मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ फाइंड दी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो आप 7 न्यूटन को डिस्प्लेसमेंट 126 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो आप 1.96 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स, फिर आप 7 - 1.96 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जो भी जिसका भी वर्क डन पूछा जा रहा है अप्लाइड फोर्स का, तो अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ऐसे नेट फोर्स का, तो नेट फोर्स इंटू डिस्टेंस। फ्रिक्शन का एक खास बात है, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट और फ्रिक्शन लेफ्ट है, तो एंगल बिटवीन देम इज 180, तो इसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव बनना चाहता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये याद रखना है आपने, और इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है सिर्फ। नेक्स्ट है जो पावर होती है वर्क डन बाय टाइम है। पावर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं स्पेशल एफिशिएंसी वाले, तो एफिशिएंसी वाली दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, मैं दोनों करवा देता हूँ। उनमें से ये दोनों एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम आपको मेंस के अंदर दिखेगी एज इट इज, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम। मैं दिखाता हूँ कैसे क्या आएगी, मुझे पता नहीं, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे पंप है, एक पंप पानी का पंप है जिसकी 30% एफिशिएंसी है, तो पानी के पंप ने ऊपर पानी चढ़ाया टैंक में और कितनी हाइट पर, 40 मीटर हाइट पर चढ़ा दिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम टैंक का 30 m³ गिवन है, टाइम 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ये बताना है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। अब पंप जो इलेक्ट्रिक पावर लेगा वो उसकी इनपुट होगी, क्योंकि जो वर्क डन करेगा वो उसकी आउटपुट होगी। तो ये देखने वाली बात है कि इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। बिजली जो देते हो आप पंप को वो इनपुट है, और जो वो काम पानी चढ़ाने का कर रहा है वो आउटपुट है। तो आपसे वो कौन सी पावर पूछ रहा है, वो इनपुट पावर पूछ रहा है, आउटपुट नहीं पूछ रहा। तो इनपुट पावर हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑलवेज इनपुट पावर, क्योंकि बिजली पंप बिजली थोड़ा बना के दे रहा है आपको, बिजली तो आपसे ले रहा है। तो इनपुट पावर निकाल, एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100, ये आपकी एफिशिएंसी है। ठीक, तो वर्क डन क्या हो रहा है, एमजीएच जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो रहा है इसमें, एमजीएच, ये आपका आउटपुट वर्क डन है। तो MGH में अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास आएगा। पानी की डेंसिटी स्टैंडर्ड याद करनी है, SI में 1000 है और CGS में 1 है। तो MGH आपका आउटपुट वर्क डन है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क डन बाय इन आउटपुट पावर इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगी, MGH बाय टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम आउटपुट पावर है, और इनपुट पावर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपको M पता है, G पता है, H पता है और टाइम 15 मिनट पता है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगी, इनपुट पावर कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैं सिर्फ ये एफिशिएंसी का ये बता रहा हूँ कि एफिशिएंसी के केस में आप कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जैसे सपोज करो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक पेंडुलम यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल MGH, और यहाँ पर कन्वर्ट होगी काइनेटिक में हाफ MV² तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, MGH इज इक्वल टू हाफ MV², ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस नीट में गारंटेड क्वेश्चन एक ना एक आएगा आएगा। काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है, हाफ MV², और अगर इसको अगर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो M² V² / M, MV क्या होता है, मोमेंटम,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हमने ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ की थी, पी स्क्वायर बाय 2m या हाफ एम स्क्वायर एक ही बात है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं मोमेंटम को डबल कर दूँ तो परसेंटेज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी। तो ये आपका फॉर्मूला पहले का है, जब मोमेंटम पी है, जब मोमेंटम 2p है तो ये एनर्जी है। तो परसेंटेज चेंज क्या है, ई2 माइनस ई1 बाय ई1 इंटू 100। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये 300% है। ठीक उसी तरीके से ये तो सिंपल है, फोर्स फैक्टर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो वर्क डन एफ फैक्टर डॉट एस फैक्टर, बड़ी बात नहीं है, आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर बता रहा हूँ, एफ फैक्टर डॉट एस फैक्टर पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा किसी और तरीके से इंटीग्रेशन करवाएगा। क्वेश्चन आए हैं मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आए हैं। क्वेश्चन यही है कि जिसमें एफ फैक्टर डॉट टी आर फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट है वो 75 ml ऑफ ब्लड को डिस्चार्ज करता है, एक पंप करता है, तो एक बार पंप करता है 75 ml ब्लड को बाहर निकालता है ईच बीट में, एक बार बीट में। प्रेशर 0.1 मीटर ऑफ मरकरी है, एक मिनट में वो 80 बार बीट करता है। फाइंड पावर ऑफ द हार्ट, तो दिल की पावर निकालनी है क्या होगी। वॉल्यूम आपको पता है, तो प्रेशर क्या होगा, एच रो जी का कॉन्सेप्ट पता ही है आपको, 0.1 मीटर ऑफ मरकरी का मतलब हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, तो ये आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। एक बीट में जो वर्कडन होता है, वर्कडन आपने केमिस्ट्री में भी किया, फिजिक्स में भी किया, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो पी इन टू वी आपका वर्कडन आ गया, एक बीट का वर्कडन आ गया। तो 80 बीट का वर्कडन करने के लिए 80 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 सेकेंड में पावर क्या होगी, जो भी आपने वर्कडन किया पी इन टू वी 80 बीट्स का, उसको टाइम 60 सेकेंड से डिवाइड करके पावर आ गई। तो मुझे नहीं पता देखो पावर पे क्या क्वेश्चन आएगा, पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर करवा रहा हूँ, क्योंकि पावर पे इस तरीके से अजीब गरीब क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में से ही है, तो एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे गिवन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आध क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, आएगा एनसीईआरटी का, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। 48 के बाद ये नेक्स्ट जो शीट है, इसमें ये कॉन्सेप्ट गिवन है कि अगर मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से एक बुलेट एंटर करती है एक ब्लॉक में, तो वो 4 सेंटीमीटर तक ब्लॉक को अंदर घुस जाती है, रुक जाती है। तो आपको ये बताना है कि कितनी वेलोसिटी से बुलेट को एंटर करवाएं कि वो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर प्लैंक में रुक जाए। ऑब्वियसली वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी तभी 9 सेंटीमीटर पर रुकेगी। तो इसमें आप एक काम करेंगे, एक थ्योरम है जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो चेंज इन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो आपने रूल ये लगाने इसके अंदर कि सपोज करो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी बुलेट की क्या होने वाली है, 0, और इस लकड़ के अंदर जब बुलेट जाएगी तो वर्क डन कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर इनिशियल एनर्जी है, इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है, और कितने डिस्टेंस तक काम करती है वो, 4, तो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्योंकि ऐसा चेंज क्यों हुआ काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन। केस नंबर 2 में फिर से एनर्जी 0 होगी फाइनल, लेकिन इनिशियल क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर वी आपको निकालना है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसमें 9 सेंटीमीटर तक काम करेगी। आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप ऐसे केस में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये हो गया, नेक्स्ट है देखो, इसमें एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 मीटर लेंथ है, पेंडुलम की 30 मीटर है, और आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, और ये 10 मीटर ये 30 डिग्री ये भी 10 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में टेक क्या हो जाएगा, 10 cos 30। तो जैसे आपको क्वेश्चन में ये बताया कि यहाँ से वो चला, तो आपको ये बताना है कि बी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पेंडुलम की अगर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर पेंडुलम मूव कर रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, मान लो ये ग्राउंड है mgh, और h पता है क्या होगा, यहाँ पर h होगा 10 - 10 cos 30। ठीक है, तो l - l cos 30 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो h की वैल्यू 10 में से 10 cos 30 है, तो mgh आ गया। काइनेटिक यहाँ पर 0 है, ऐसे रिलीज किया है, और यहाँ पर पोटेंशियल 0 और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो इक्वेट करके वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। और इसमें कुछ नहीं गिवन, जब भी एक बुलेट ब्लॉक को हिट करेगा और उसके अंदर घुस जाएगा और इकट्ठे मूव करेंगे, ये कोलिजन का पार्ट है वैसे, तो ये सिखाया जाता है कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। तो टक्कर से पहले बुलेट का मोमेंटम mu1 है और इसका तो 0 है, फिर टक्कर के बाद दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 + m2 * कॉमन वेलोसिटी v। तो इक्वेट कर देना,
इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम, वहां से कॉमन वेलोसिटी वी कैन बी कैलकुलेटेड, तो आंसर आएगा और इसमें कुछ नहीं गिवन। नेक्स्ट जो है इसमें क्या गिवन है, ये सिंपल है, ये मेडिकल वालों के लिए स्पेशली आ सकता है, नॉन मेडिकल में भी आ सकता है बाय डिफॉल्ट, पर ये मेडिकल वालों को ज़्यादा आता है। फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है और इसमें ए से बी तक आप क्या कर रहे हो, एक बॉडी को मूव कर पा रहे हो, तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर क्या होगा, 1i cap 2j cap -3k cap। फिर ऐसे बी का आर बी क्या होगा, 2i cap 0j cap -5k cap। तो आर ए वेक्टर आ गया, आर बी वेक्टर आ गया, तो आप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लोगे माइनस करके, बस फिर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करके आंसर आ जाएगा। तो आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों पोजीशन वेक्टर को ताकि एस वेक्टर आए, फिर आप एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और अजीब लगेगा सुन के, मिलता जुलता क्वेश्चन मेंस वालों ने डाल दिया यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो मैं करवा देता हूँ, पता नहीं यार कब कौन सा इंजन इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाएगा वो, तो मैंने खुद देखा, मतलब इसलिए कह रहा हूँ मुझे, तभी मैंने ये शीट ओपन की है। तो 1000 मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं आएगी, छोटा आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट देख लो क्या है कि इतने केजी का इंजन है, इज मूविंग अप अ स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 5 डिग्री। ग्रेडियंट का मतलब कि ये जो एंगल है कितना है, 5 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन का, एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड से कोई इंजन ऊपर चढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंजन में कोयला डल रहा होगा और पावर आ रही होगी और इंजन ऊपर जा रहा है। म्यू गिवन है, एफिशिएंसी 4% है इंजन की, मतलब कोयला खाता जा रहा है, एनर्जी बनाता जा रहा है, उसमें से सिर्फ 4% एनर्जी ही से ही वो ऊपर जा रहा है, बाकी 96% वो खराब कर रहा है कोयले की एनर्जी। तो कोयला जो बर्न करके एनर्जी दे रहा है, कोल जो एनर्जी बर्न करके देगा वो इनपुट एनर्जी है, और ऊपर चढ़ने में जो वर्क डन हो रहा है वो आउटपुट एनर्जी है। तो ऐसे केस में वो कह रहा है, फाइन अमाउंट ऑफ कोल द इंजन हैज टू बर्न इन 1 आवर। तो ये कितना कोयला वो यूज़ कर लेगा इंजन, ये बताओ, और 1 kg ऑफ कोल गिव 50,000 joule ऑफ एनर्जी। एक काम करते हैं इसमें, इसमें पहले ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी है तो कांस्टेंट है तो गिवन ही है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और mg sin थीटा दोनों नीचे हैं, तो इंजन ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स n, तो इतनी फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स आप कैलकुलेट कर लें, ये सॉल्व करके इसके इक्वल आएगा, कैलकुलेशन को छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, और वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। याद रखना, फोर्स इनटू वेलोसिटी हमेशा पावर होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पावर है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी करेंगे तो पावर आ गई, इतनी पावर आउटपुट की फॉर्म में मिलेगी, इंजन हमें इतनी आउटपुट पावर दे रहा है। एक घंटे में वो इंजन वर्क डन कितना कर रहा है, एक घंटे में, क्योंकि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, तो ये इंजन कुल मिला के एक घंटे में इतना काम करता है, इतना वर्क डन करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो भी काम करता है 100% एफिशिएंट तो है नहीं, तो ये जो आपने आउटपुट वर्क डन निकाला, जो वर्क डन निकाला वो आउटपुट वर्क डन है, क्योंकि इतना तो एक्चुअल में काम कर रहा है वो, तो आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट कोयले की एनर्जी इनटू 100 इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 4 गिवन है, आउटपुट वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इनपुट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये इनपुट एनर्जी कहाँ से आएगी, ये कोल बर्न करके आएगी, तो ये एनर्जी कोल ने हमें दी। अब 50,000 joule ऑफ एनर्जी बर्न करने पे, एनर्जी निकलने पे 1 kg कोल यूज हो जाता है, यूनिटरी मेथड 1 पे इतना होगा, और ये कोल की एनर्जी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोल कैन बी कैलकुलेटेड। कोल के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, कोल के ऊपर तो खैर नहीं आया, बट ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी से हम पावर निकाल लेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करके आउटपुट वर्क डन निकाल लेंगे, फिर इनपुट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अगर आज के उसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन उसमें यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद करने का फायदा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। वो ये कि एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना है इसमें, चेन वाली प्रॉब्लम तो आई हुई है, ऐसी बात नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आई हुई है कि अगर ये टेबल है, अलग अलग तरीके से चेन वाली प्रॉब्लम पूछी जाती है। अगर ये टेबल है और कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ये चेन है, ये हवा में चेन लटक रही है सपोज, और चेन कितनी लटक रही है, चेन मान लो L/6 लेंथ की लटक रही है, ठीक है, L/6 ये रुकी हुई है यहाँ पे, फ्रिक्शन होगी या ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इस लटकती हुई चेन को टेबल पे रखना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ग्राउंड मान लेते हैं,
तो चेन का यहाँ भी मास है, 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 हर जगह मास ही मास है, क्योंकि हर जगह मास ही मास है। तो आप इसको उठा के रखेंगे आपका वर्कडन ज़्यादा लगेगा, इसको उठा के रखेंगे वर्कडन कम लगेगा, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, और जो टॉप पे पड़ा हुआ उसका वर्कडन जीरो है। तो आपको वेरिएबल वर्क मतलब अलग अलग वर्कडन निकालने पड़ेंगे, और टोटल वर्कडन निकालने के लिए सारे छोटे छोटे वर्कडन को मिलाना पड़ेगा। एक्चुअल में तो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, पर हम इंटीग्रेशन करके लंबा काम करेंगे नहीं। हम इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं चेन की प्रॉब्लम में। हम क्या करते हैं कि अगर चेन एल बाई सिक्स नीचे लटक रही है, आप इमेजिन करें कि इसका जो मास है वो एग्जैक्टली, क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द चेन, तो अगर चेन के क्वेश्चन आ जाएं जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड के क्वेश्चन आ जाएं जिसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिक्विड हो यूट्यूब में जिसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर टोटल मास चेन का एम है, लेंथ एल है, तो अगर लेंथ एल बाई सिक्स है तो मास कितना है, एम बाई सिक्स है। वो एम बाई सिक्स कहाँ पर पड़ा होगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ पड़ा होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने वर्कडन निकालना है इस सेंटर ऑफ मास के मास को ऊपर रखने का बस। तो आपने वर्कडन निकालना है इसको ऊपर रखने का, तो वर्कडन की वैल्यू क्या होगी, मास एम बाई सिक्स इंटू जी एम जी एच। अब एच में क्या लेना है, आपका मास एल बाई सिक्स पे नहीं है, आपका मास सेंटर पे है, तो सेंटर पे डिस्टेंस कितना है, एल बाई ट्वेल्व, तो एल बाई क्या हो जाएगा, ट्वेल्व। तो ये आपका नेट अमाउंट ऑफ वर्कडन आएगा। तो जब भी चेन को ऊपर उठा के रखना हो तो आपने यही आपने आंसर देना है कि एम बाई सिक्स इंटू जी इंटू एल बाई ट्वेल्व, दैट्स इट। तो कई बार ऑप्शन में नेगेटिव भी गिवन होता है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में भी गिवन होता है, बट चलो ऑप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। पर मैग्नीट्यूड क्लियर है वर्कडन का, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना सेंटर ऑफ मास का, ये यही कॉन्सेप्ट है। एक ये मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है, वैसे तो बड़ा अजीब सी प्रॉब्लम है पर फिर बता देता हूँ। वर्कडन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ वी इन टाइम टी वन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या टाइम टी वी वी वन, मतलब गोल 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 वी वी वन टी वन टी वन, गोल 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 घुमाया जा रहा है। तो इसमें ना दो न्यूमेरिकल को इकट्ठा किया हुआ है, देखो कैसे। वर्कडन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, तो टी टाइम में आपको वर्कडन निकालना है, तो विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बॉडी चली, तो रेस्ट से बॉडी चलने का मतलब यू इज इक्वल टू जीरो, थोड़ी देर में वेलोसिटी उसने अटेन कर ली वी डैश, तो अमाउंट ऑफ वर्कडन कितना है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्कडन है, इनिशियल एनर्जी तो जीरो है, फाइनल इसके इक्वल है, तो यही अमाउंट ऑफ वर्कडन है। अब वी डैश की वैल्यू क्या होगी, उसने कहा ये वर्कडन टी टाइम में करना है, और अगर ये वर्कडन टी टाइम में करना है तो वी डैश क्या होगा, जीरो प्लस 80, तो वी डैश की जगह 80 पुट कर देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्कडन आ गया। आपको ये ऑप्शन में ऑप्शन मिलेगा नहीं, आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको वी की फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ए तो गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो अगली स्टेटमेंट गिवन है कि बॉडी ने वी स्पीड एक्वायर की, वी डैश ने की वी स्पीड एक्वायर की इन टाइम टी वन, तो आप इसको साइड पे लिख लें। अगर बॉडी ने वी स्पीड एक्वायर की इन टाइम टी वन, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, इस एक्सेलेरेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करके आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा। तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे स्पेशली मेंस वाले, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा। वैसे बनाने वाले ने बहुत चला के दिखाई नहीं, इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, उसमें ना यूनिट एंड डायमेंशन से आंसर आ जाता है, क्योंकि एनर्जी पूछ रहा है तो आंसर जूल में आएगा, टी स्क्वायर का यूनिट टी स्क्वायर से कैंसिल होने चाहिए, तो उसमें कई जगह टी स्क्वायर है बाई टी, टी अपॉन टी स्क्वायर टी, तो ना चार ऑप्शन वैसे इलिमिनेट हो रहे थे और ये आंसर ही मिल रहा था, तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी इसे। तो ऑप्शन ज़रूर देख लिया करो क्वेश्चन करने से पहले, स्पेशली जिनके ऐसे ऐसे आंसर्स हैं वेरिएबल की फॉर्म में आंसर हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन से एक दो क्वेश्चन तो एक दो ऑप्शन तो पक्का एलिमिनेट हो ही जाती हैं, ज़रूर देखना चाहिए। न्यूमेरिकल में तो देख नहीं पाओगे पर वैसे आपको देखनी चाहिए। ये क्वेश्चन मेन वालों ने लास्ट ईयर डाल दिया, अलग चेंज एज इट इज डाला है, वैसे सोच बताऊँ तो ये क्या डाला हुआ है, वो कह रहा है कि एक लिक्विड है यूट्यूब के अंदर जो हमने ऐसे रोक के रखा हुआ है, इसको छोड़ दिया, थोड़ी देर में लिक्विड का लेवल एकदम सेम हो गया, एच और एच हो गया, तो यहाँ पर हाइट क्या है, H1, यहाँ पर हाइट क्या है, H2, और फाइनल हाइट क्या हो गई, H हाइट हो गई, ठीक हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि अपने आप कैसा हुआ, ग्रेविटी ने इसको इक्वलाइज कर दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है। तो मान लो इसका एरिया A है और ये हाइट H1 है, तो जब ये इस स्टेट में आएगा तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एच वन, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एच टू, अब वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एच, अब वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एच, तो वॉल्यूम तो रीअरेंज हुआ है, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो वर्टिकल हाइट्स हैं उनमें विल रिमेन सेम। तो वॉल्यूम को इक्वेट करके आपने पहले एच निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एच वन एंड
तो याद रखना एच क्या होगा, एच वन प्लस एच टू बाई टू। फिर आपने इस पोर्शन की एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एम जी एच। पानी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास कहाँ पर पड़ा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो क्या होगा, इसका मास इंटू जी इंटू हाइट की जगह एच वन बाई टू। तो ये देखो, तो लेफ्ट साइड पे एनर्जी क्या है, एम इंटू जी इंटू एच वन बाई टू, और मास क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी मास इंटू जी इंटू एच वन, तो लेफ्ट साइड की एनर्जी है। सिमिलरली राइट साइड की एनर्जी एच टू की फॉर्म में आ जाएगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों को ऐड कर दिया तो इस डायग्राम की टोटल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर फाइनल एनर्जी निकाल लो, इसके साथ भी यही करो सेम, बस एच की जगह एच टू की जगह एच कर देंगे। तो आपके पास ये फाइनल एनर्जी आ गई, एक बार एच और एच दोनों साइड पे एच और एच, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। तो आपने क्या करना है, चेंज इन वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। आपको मेंस के अंदर सीधा ही ऑप्शन दिखेगा आज के पेपर में, तो ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। अब जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनको आंसर भी याद होते हैं, एच वन एच टू की फॉर्म में दिखे रहते हैं, नहीं भी देखे तो कम से कम वो सॉल्व तो कर ही सकते हैं। इसको करना क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ याद रहे, जैसे एक्स की वैल्यू आपको दे रहा है जो कि कितना है, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू ये वेरिएबल टाइम के साथ वेरिएबल है, वर्क डन निकालना है 10 सेकंड में क्या होगा। अब याद रखना वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है फिर तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, एफ इनटू एक्स से आंसर आ जाएगा। अगर फोर्स वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, फिर आपको इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालने पड़ते हैं। तो जैसे इस केस में एक्स गिवन है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, तो ए टू आ रहा है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप इंटीग्रेशन के बिना भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन के साथ तो हमेशा ही कर सकते हो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। पर अगर फोर्स कांस्टेंट ना होती, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ना होती, फिर इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो जैसे इसमें क्या किया मैंने, बिना इंटीग्रेशन के कुछ भी नहीं किया, लगा दिया फॉर्मूला एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली ऊपर से और सॉल्व कर दिया। चलो तो ये तो मेन बात है ही नहीं, इंटीग्रेशन के साथ मेन बात है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है फिर आपको इंटीग्रेशन ही करनी पड़ती है, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर आपको इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम ही आती है कि जब आप ऐसा ये इक्वेशन बनाते हो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, पर आपको 10 सेकंड में वर्क डन निकालना है, तो लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की। तो आपको dx को dt में कन्वर्ट करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, इससे क्या होगा, dx by dt क्या देगा, v into dt। अब v की वैल्यू तो आप कैलकुलस से निकाल ही रहे हो ये रही, अब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 10, आंसर आएगा, आंसर वही आएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मान लो वेरिएबल फोर्स आ गई, आप सॉल्व कर रहे थे, टाइम की लिमिट लगनी थी और इंटीग्रेशन dx में चल रही थी, आपको dt में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस ये ट्रिक है इसमें, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, बस ये याद रखना, और इसमें कुछ नहीं करने वाला। ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत मेन में मिलेंगे, तो डायरेक्ट इसमें करना कुछ नहीं होता, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना होता है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की एनर्जी बराबर करनी होती है, ये तो पेपर के अंदर ही देख लेंगे अभी। एक सेकेंड, 49, 50, ये थ्योरी है इसकी, ये आपने कुछ नहीं करना। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है, सबको पता है। वर्क डन वैसे पॉजिटिव होता है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता है, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है। याद रखना, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, सेमी सर्कल में गोल घूमती है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा जीरो होता है, भूलना नहीं कभी भी, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगती है, टुवर्ड सेंटर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होता है, टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, तो वर्क डन एफ एस कॉस 90 विल गिव जीरो। तो वर्क डन पुली जो करेगा जीरो, वर्क डन जो सेंट्रीपेटल करेगी वो भी जीरो, भूलना नहीं है, वर्क डन जीरो। उसी तरीके से टेंशन का वर्क डन भी जीरो, पेंडुलम में पेंडुलम नीचे आ रहा है, टेंशन ये रही टुवर्ड सेंटर है, क्योंकि सर्कल का सेंटर यहाँ मिलेगा आपको, तो टेंशन वेक्टर जो है वो ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इनके बीच में एंगल क्या है 90, टेंशन का वर्क डन भी इसमें जीरो रहता है। और इसमें कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना आपने, ये सब अभी, हाँ ये नहीं भूलना कि अगर एफ और एक्स का, ये पेपर में बहुत आता है, एफ और एक्स का अगर ग्राफ गिवन है और कोई भी ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकाल दें उसके अंडर एफ इंटू एक्स, तो आपको क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा, या आएगा पेपर में वर्क डन देगा। तो जैसे इसका वर्क डन निकालना है,
तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दिस ट्रेपेजियम दिस ट्राइंगल माइनस दिस ट्राइंगल, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ऐसे आप वर्क डन निकाल लेंगे एरिया से। ये सेम क्वेश्चन है सारे, ये रहे। तो एनर्जी में मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दो एनर्जीज हैं हम जो स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। पोटेंशियल काइनेटिक है, पोटेंशियल दो टाइप की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और इलास्टिक स्प्रिंग की एनर्जी है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये करना नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये हमने किया हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये सीधा पेपर में सीधा लगानी सीखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, 50 नेक्स्ट है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रखा है कि एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MGH। ये हमें पता है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो, ये अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया है, कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जिनके साथ अगर आप जिनके साथ काम करोगे उसका जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, अमाउंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सब कंजर्वेटिव है, ये इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर ही डिपेंड करती हैं। और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल जितनी फ्रिक्शनल फोर्सेज के अगेंस्ट वर्क डन है वो नॉन कंजर्वेटिव है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ लंबा होगा फ्रिक्शन का वर्क डन ज़्यादा होगा, पाथ छोटा होगा फ्रिक्शन का वर्क डन छोटा होगा। ठीक है यहाँ तक। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव में अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट होते हो उसी पॉइंट पर बॉडी को ला के रख देते हो, अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, चार्ज को उठा के वहीं से वहीं रख दो तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो। और नॉन कंजर्वेटिव में इट इज नॉन जीरो। बस इसमें ये याद रखना है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है, बस यही आंसर है इसका। ये कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना इसमें, आपने कुछ भी नहीं करना। ये प्रूफ्स हैं बेसिकली एनसीईआरटी के, प्रूफ तो आपने बिल्कुल भी नहीं करने, कुछ नहीं करना, ये एनसीईआरटी के प्रूफ्स हैं, नहीं करना। ये ग्राफ देख सकते हो स्पेशली मेडिकल वाले कि जैसे अगर आप कोई भी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, काइनेटिक कम होती जा रही है, लेकिन टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो मेडिकल में ऐसे छोटे छोटे ग्राफ मार्क करने को आ जाते हैं, नॉन मेडिकल में नहीं आते, नॉन मेडिकल में थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन एक आना है, मैं पहले बता दूं आपको, वर्क एनर्जी पार पे भी एक आना है और स्प्रिंग मिला के वर्क पर वर्क एनर्जी पार मिला के और कोलिजन मिला के भी एक ही आना है। तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना इस चैप्टर को लेके, इस चैप्टर की बहुत समस्या है, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल बहुत बहुत ज़्यादा है बुक्स में अंदर, कुछ ज़्यादा ही है सच बताऊँ, टाइम खा जाएगा ये चैप्टर आपका, तो बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन इस पर एक ही आना है। और सबसे बड़ी बात, आप जो प्रैक्टिस करेंगे पुराने पेपर कर लें, आपको पता लग जाएगा कि आप जितने मर्जी क्वेश्चन रट लें कुछ नहीं हो सकता इस चैप्टर का, आपको वहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। मैकेनिक्स है ना यार पूरी की पूरी, ये वहीं लाइव वहीं पर करना पड़ता है। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें और लगाने की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर में लगा के आपको अच्छी हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन 20-50 क्वेश्चन जितने भी होंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक होंगे, तो आप जो मैं करवा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। मैं देख के आया हूँ पेपर सारे, तो मतलब इस मिलते जुलते जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट से आपके पुराने पेपर सीधा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें थ्योरीज में नहीं जाना आपने, मैं ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ थ्योरियाँ रटने बैठ जाओ, इस चैप्टर की थ्योरी रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, करना न्यूमेरिकली है। तो जैसे जो मैं करवा रहा हूँ, देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें करवाने में, क्वेश्चन फिर नया ही बन के आएगा, अभी करवाऊँगा क्वेश्चन आपको और मुश्किल नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आएंगे शीट में से, ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जो मैं मेन पेपर देख के आया हूँ 2022 का पेपर, तो देखो मैंने नहीं देखा, मैं ऐसे ही आपको कहूँ 2022 का, तो अभी बुकें भी आई थी तो 2022 का ठीक है, कुछ कुछ सेट बीच में से देख लेते थे। 21 तक तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ, 20 और 21 तो ठीक ही चल रहे हैं। 22 का मुझे पता है कि उससे नीचे लेवल गिरा है, ऊपर तो गिरा नहीं, पक्की बात है, क्योंकि स्कोर से पता लग जाता है कि क्या लेवल चल रहे हैं। तो 22 का एज एन असाइनमेंट है आपकी, आप खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, पर ज़्यादातर डाउट कम आते हैं ऐसे जो लेटेस्ट पेपर्स हैं उसमें थोड़े कम आते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे होंगे सॉल्व। ठीक, करने ज़रूर है, लेकिन आपने अब मैं बता रहा हूँ रेपिटेशन रहती है पेपर में, लोग कहते हैं रेपिटेशन नहीं रहती, मैं मानता हूँ आप अगर करके जाओगे देखना आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें ये हमने कर दिया प्लैंक वाला क्वेश्चन, ये हमने कर दिया, ये करने की जरूरत नहीं है। ये शीट रिपीट नहीं है, हाँ रिपीट है, तो सच रिपीट चल रही है 52 53। हाँ ये आएगा पक्का 101% मेंस नीट में, ये क्वेश्चन तो करना ही
बनता है, आता ही आता है, बहुत आता है, मेंस वालों को तो बहुत आता है, नीट में भी आता है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा ये पेपर में। तो जैसे आपको फोर्स गिवन है एक्स की फॉर्म में और आपसे पूछेगा कि अगर फोर्स गिवन है तो आप यू निकाल दो, यू ऑफ एक्स का मतलब एनर्जी निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला लिखो एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू क्या है माइनस एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू को पुट करो, ओपन करो ब्रैकेट और इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके अपने आप क्या जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स चल रही है ना, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और इसकी एक्स फोर बाई फोर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर फोर्स गिवन है एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी गिवन है तो फोर्स कैसे निकलेगी, फॉर्मूला एक ही है। और क्या फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स फॉर्मूला है। सेम क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे ये करेंगे, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सेम किया था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, कि जैसे मान लो कल को आपको यू देता है, अब यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में देता है, फिर क्या करोगे, क्योंकि अगर x की फॉर्म में होता यहाँ dx हो जाता, अगर u y की फॉर्म में होता dy हो जाता, अगर ये z की फॉर्म में dz हो जाता, पर अगर ये xy z में है तो फिर dr हो जाएगा। तो आपको याद है मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवाया था क्या, पार्शियल डेरिवेटिव, सेम कॉन्सेप्ट है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पार्शियल में dx dy और dz करेंगे, तो u को एक बार xy z में यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तीन जगह पुट करेंगे। पार्शियल में क्या रूल बताएगा, इसको ओपन कर लें, पार्शियल में अगर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वो तो एज इट डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, पर वाई और जेड क्या माने जाएंगे कांस्टेंट, तो इसके डिफरेंशिएशन जीरो। अगर वाई की पार्शियल है तो इसको तो करेंगे डिफरेंशिएट, बाकी क्या हो जाएंगे जीरो। तो इस तरीके से फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें, इसी पे ये हमने कर लिया, प्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। इसके अंदर बुलेट लूजेस वन एंड ऑफ द वेलोसिटी पासिंग थ्रू वन प्लैंक, तो एक प्लैंक में से जब बुलेट बाहर निकलता है तो वन एनथ वेलोसिटी लूज हो जाती है, तो बची कितनी, v माइनस v बाय n, इतनी बच गई। तो कितने प्लैंक्स चाहिए ताकि बुलेट को हम क्या कर सकें, स्टॉप कर सके, तो कितने प्लैंक्स चाहिए ताकि बुलेट को रोका जा सके, तो दो केस बना लेना। पहला केस ये v है और ये फाइनल वेलोसिटी है, कॉन्सेप्ट वही है, फाइनल एनर्जी हाफ एम वी n माइनस एन, ये लो इसका स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक प्लैंक के अंदर इतना काम करती है। अब दूसरे केस में, ये केस नंबर वन है, केस नंबर वन है, केस नंबर टू है, दूसरे केस में आपको क्या करना है, टू स्टॉप द बुलेट, स्टॉप का मतलब फाइनल एनर्जी क्या है यहाँ पर, जीरो, इनिशियल वही रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन में मान लो एन नंबर ऑफ प्लैंक्स यूज होते हैं तो डिस्टेंस तक कवर क्या हो जाएगा, n into x, इसे और इसे डिवाइड कर लेना, n की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लैंक्स वाली प्रॉब्लम में वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आपका आंसर आ जाएगा, डन, कुछ नहीं करना है इसमें। और नेक्स्ट जो आपने काम करना है इसमें, ये ना एक ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है यार, नीट और मेंस में इस टाइप की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, और वहाँ पर ये होनी नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कैलकुलस यूज होता है, इसके ना कुछ आंसर्स याद करेंगे हम, मेथड बताऊंगा मैं आपको, हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, होने को तो हो ही जाएगी, टाइम कंज्यूम करेगी, और प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, मैंने मेंस में बिल्कुल डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन देखे हैं, नीट में भी, क्या प्रूव दैट स्पीड वी, ये मैं प्रूव लिख रहा हूँ, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको वी निकालना है, मास एम है और कांस्टेंट पावर पी, अगर कोई कार चल रही है कांस्टेंट पावर के साथ, मास उसका एम है तो उसकी स्पीड इसके इक्वल होगी, ये सबसे बेकार टाइप के क्वेश्चन है, गिवन कुछ नहीं होता, कह रहे बस कांस्टेंट पावर है और स्पीड निकाल दो, तो ये दिया कम है और पूछा ज़्यादा है, तो इसका स्टैंडर्ड तरीका एक ही है, पावर लग रही है इसमें, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी से ही स्टार्ट, अगर आंसर नहीं भी याद आप स्टार्ट करो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स को लिखो डी पी बाई डी टी, तो ये पी में लिखो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास बाहर आ गया डी पी बाई डी टी, वी वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें टाइम का कुछ गिवन नहीं है, ना आपको ऑप्शन में चाहिए, आपको एक्स चाहिए, तो आप अपनी इंटीग्रेशन dt को dx में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो रूल वही है dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, तो dx by dt क्या बनेगा v, तो आप इसे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगी v आ जाएगी, और v का ये फॉर्मूला आएगा। तो क्वेश्चन सीधा क्या आता है मैं बता देता हूँ, कि v जो है डायरेक्ट, क्योंकि आंसर याद हो जाते लोगों को, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 1/3, जो वेलोसिटी है वो x के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी रखेगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो x रेज टू पावर 1/3, तो इस टाइप की प्रॉब्लम
मतलब अगर आप भूल भी गए कोई टेंशन नहीं है, आप स्टार्ट यहाँ से कर लेना बस, यहीं से आपका। अब मैथ वालों को दिक्कत नहीं है, मैथ तो फटाफट इंटीग्रेशन करके फिर भी निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। पर ध्यान में रखना एक्स की पावर 1/3 का आंसर याद रखना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन है, ये नहीं करना हमने। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट इसमें आपने क्या करना है, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं मेंस नीट पे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या देगा, यू देगा, यू दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ चेंज हो रही है, ए और बी कांस्टेंट है। वो कह रहा है एक्स निकालो जब पार्टिकल किस में है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। चलो तो अगर इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। अब एनर्जी से फोर्स कैसे निकलेगी, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो यू की वैल्यू पुट करें तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आएगी, इसको जीरो कर देंगे, जीरो करेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो एक्स की पावर 6 वो वैल्यू आई जब फोर्स क्या है, जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम है। पर आपको इस इक्विलिब्रियम पे क्या निकालनी है, एनर्जी। तो वापस यू में चले जाओ और एक्स की पावर 6 की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी जब इक्विलिब्रियम है। तो मेडिकल वालों को थोड़ा कैलकुलेशन कम आ जाएगी, पर नॉन मेडिकल में तो आया हुआ क्वेश्चन है ये, और एक बार नहीं रिसेंटली एक दो बार मिलता जुलता, कुछ नहीं है, वो एक्स को चेंज करते रहेंगे बस, इजी मुश्किल करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर आपको एनर्जी के बना और फोर्स निकालनी है तो क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। तो ये याद रखना। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये नहीं, ये करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार देखो प्लीज। ये सेंट्रल मास से भी हो सकता है, वैसे हो सकता है लेकिन इंटीग्रेशन से ज्यादा आसान रहेगा ये करना।
क्वेश्चन है, चेन, ये रही चेन जिसका मास एम है और लेंथ एल है, और टू थर्ड पार्ट ऑन द टेबल, तो इसका टू थर्ड पार्ट टेबल के ऊपर है, म्यू गिवन है, फ्रिक्शन गिवन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल, तो जब ये स्लिप कर रही होगी तो फ्रिक्शन अपना काम कर रहा होगा रोकने के लिए, तो वर्क डन कितना किया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा, जैसे जैसे ये चेन नीचे गिरती जाएगी इसका वेट चेंज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रही है, जब फोर्स चेंज हो रही है और वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगी, तो क्या लगेगी, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लगेगी। तो पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, पहला स्टेप ये रहेगा कि पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक इसका यहां से स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो यहां से स्मॉल एल डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट कितना है, डीएल, यहां पर मास क्या है इसका, डीएम, तो छोटा सा एलिमेंट का मास डीएम, डीएम होगा क्या, टोटल चेन का मास एम, टोटल चेन की लेंथ एल और स्मॉल एलिमेंट कितना है, डीएल, तो स्मॉल मास आ गया चेन का, स्मॉल मास आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके जी से, तो क्या आ गया, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम बाई एल इंटू डी एल इंटू कितना जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इसके इक्वल है इसकी स्मॉल एलिमेंट की, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कि जो भी आपने ये जो एल डिस्टेंस, क्योंकि इस एलिमेंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्मॉल एल, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल एफ इनटू कितना, डीएल विद नेगेटिव साइन भी तो होगा ना, वर्क डन में फ्रिक्शन इज नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने ये काम किया, और डीएल नहीं, सॉरी डीएल नहीं, एल, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने कितना काम करना है, एल लेंथ तक काम करना है, इसमें एफ वेरिएबल है, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे जब ये पुट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, अब जब पुट करेंगे तो देखो ये एलिमेंट ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, एल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू एल करेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू एल वर्क डन आ गया स्मॉल, स्मॉल क्यों, क्योंकि एलिमेंट छोटा है, तो जब आप एफ को उठा के यहां पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन अपने आप विद रिस्पेक्ट टू क्या चल पड़ेगी, डीएल, बस फिर लिमिट लगा देना 0 से लेके 2l / 3, आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन का, तो मतलब आपको इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, -2/9n म्यू एम जी एल, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कुछ नहीं करना आपने, हाँ ये बहुत आता है यार, मेंस नीट में भरा पड़ा है ये ना, आंसर याद करेंगे इसका, वो ये कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और कांस्टेंट पावर है, जैसे भी किया था ना वो अजीब सा क्वेश्चन वेलोसिटी वाला, कांस्टेंट आंसर याद करने को कहा था, कांस्टेंट सेम है, कांस्टेंट पावर है, उसमें क्वेश्चन था वेलोसिटी पे, वेलोसिटी का एक्स के साथ क्या लेना देना है, इसमें क्वेश्चन है डिस्टेंस का टाइम के साथ क्या लेना देना है, एक स्टेप और आगे, तो क्या करना है, स्टार्ट वहीं से करना है, एफ इंटू वी, एफ डी पी बाई डी टी, सेम सब कुछ, सेम सब कुछ, सेम सब कुछ ही सेम, सॉल्व करके वेलोसिटी आएगी वही सेम, यहां तक तो सेम है, याद करो, याद करवाया था वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, यहां तक तो सेम है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेलोसिटी को लिखना है डीएस बाय डीटी, क्योंकि एस और टी का रिलेशन निकालना है, डीटी राइट साइड पे जाएगा, एस वाली टर्म लेफ्ट पे आएंगी, इंटीग्रेट करेंगे तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेज टू पावर 3/2, इसको तो याद कर लो, बहुत आता है मेंस और नीट में, कि जो अगर पावर कॉन्स्टेंट है किसी भी बॉडी की तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम रेज टू पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, कौन करेगा इतना बड़ा, और समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट जो है, हाँ, इक्विलिब्रियम्स, इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे एक फोटो फ्रेम है, आपने फोटो फ्रेम हवा में लटका हुआ है, टांग रखा है धागे के साथ, आपने उसको हिलाया, बॉडी वापस वहीं आ जाएगी टू गेन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आपने, आप जैसे मर्जी उसको हिला लो, उसने वापस आ जाना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, वो स्टेबल है। अनस्टेबल एक बॉडी है, आपने उसको मूव करवाया, वो वापस कभी नहीं आई, जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, स्टेबल अनस्टेबल उसमें भी मैंने करवाया था, कि जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या पड़ा हुआ है, डायपोल पड़ा हुआ है, याद करो, डायपोल अगर ऐसे पड़ा है तो ये स्टेबल है, क्योंकि आप इसे ऐसे हिलाओगे वापस आ जाएगा,
लेकिन अगर डायपोल ऐसे पड़ा है तो नो डाउट ये ऐसे पड़ा रहेगा, हिलाओगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा नहीं, ऐसे आएगा, तो ये अनस्टेबल है। नीचे वाला केस अनस्टेबल है तो इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स दोनों पे जीरो है, पर इसको हिलाओगे ये ऐसे ही रहेगा, इसको हिलाओगे ये ऐसे आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल है। और जो आपका न्यूट्रल है उसमें जैसे पानी के अंदर कोई बॉडी तैर, जैसे कोन है, ये पेन पड़ा हुआ है, इस पेन को मैंने यहाँ से यहाँ हिलाया, यहाँ आके बैठ गया, मैंने यहाँ हिलाया, यहाँ आके बैठ गया, जहाँ मर्जी रख लोगे, तो जैसे रखोगे वैसे टिक जाऊँगा मैं, ना वापस जाऊँगा ना नई पोजीशन एक्वायर करूँगा, जैसे हो वैसे ही रहूँगा, न्यूट्रल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में ये तो थ्योरी की बातें हैं, आएगा तो मैथमेटिकल, मैथमेटिकल कंडीशन तीनों इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होती है, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये पहली कंडीशन है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है, अनस्टेबल में हमेशा मैक्सिमम होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये नॉन मेडिकल वालों के लिए, अब मेडिकल वालों के लिए खत्म हो गया है स्टेबल अनस्टेबल। नॉन मेडिकल के लिए यू मिनिमम है, तो कैलकुलस किया हुआ आप लोगों ने, तो नेट फोर्स जीरो और एनर्जी डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, मिनिमा 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 मैक्सिमा, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव किया हुआ ना मैक्सिमम मिनिमम सबने। उसी तरीके से अनस्टेबल में यू क्या होता है, मैक्सिमम, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। और उसी तरीके से न्यूट्रल में यू क्या होता है, जीरो, तो डबल डेरिवेटिव जीरो। तो मैथ्स वाले समझ सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। वैसे आता नहीं है बट फिर भी चलो मैंने बता दिया कि ये किस तरीके से करना है। 54 के बाद ये थ्योरी बहुत बड़ी है, मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से इसके जो आना है उस हिसाब से इसमें एफर्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इतने में तो रोटेशनल कवर हो जाता है, जो शॉर्ट शॉर्ट आंसर निकालेगा एक, आपको अजीब लगेगा रोटेशनल बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ रोटेशनल जब कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल है, थ्योरी बहुत सुननी पड़ती है उसमें, लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेशनल ज़्यादा आसान है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आएगी डिस्क में से, डिस्क कटिंग वाली, देख लेना पुराने पेपर उठा के मेन्स वालों नीट वालों के, डिस्क में से डिस्क काट दी, बचा हुआ आई निकालो, डिस्क में से डिस्क काट दी, नया सेंटर ऑफ मास निकालो, बहुत। और आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, दो मिनट में क्वेश्चन आएंगे, सीधा शॉर्टकट है इसका, इन क्वेश्चंस का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत क्वेश्चन आएंगे थ्योरम्स पे, तो मतलब इन्वेस्टमेंट ठीक है टाइम की उसमें, ये इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें ना पता नहीं क्या एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगेगी, उसमें पता है कि आई के वही डिस्क स्फीयर रॉड पे ही क्वेश्चन आने हैं, कहीं से बाहर नहीं आने। क्या पूछ लेगा यार, तीन में से तीन तो फिगर्स हैं, तो कितने पोर्शन कटवा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध मुश्किल आ गया देखी जाएगी, पर 80% ठीक रेंज में आता है। चलो करते हैं स्प्रिंग में, देखो ज़्यादा उस चक्कर में पढ़ना नहीं है, स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर इसकी एनर्जी है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स फोर्स है बस, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपने, ये कुछ एनसीईआरटी की शीट है, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्लान में आपको टेस्ट प्लान बना के दे दूंगा, कल तक आज बनाऊंगा, कल तक दे दूंगा आपको पूरा प्लान, एक महीने का पता होगा कि कैसे करना है, सीबीएसई का भी और प्लस टू का भी और प्लस वन का भी और कंपटीशन का भी। फिर दूसरा प्लान बनाऊंगा मेंस के बाद फेब का, वो देख लेंगे कि डेट शीट आ जाएगी ना बोर्ड की तब तक, उससे पहले वो सब्जेक्टिव टेस्ट लेने हैं आपके तीन तीन घंटे वाले, पहले चैप्टर वाइज लेने हैं यूनिट वाइज, फिर डिस्कशन भी करनी है सीबीएसई की, रिवाइज भी करवाऊंगा सीबीएसई का, और फिर उसके बाद फिर मैं वो करूंगा रिवाइज करवाने के बाद टेस्ट 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 साथ चलेंगे, ठीक है। फिर तीन तीन घंटे के टेस्ट लेने हैं ताकि आप एकदम उसमें आपकी मास्टरी हो जाए, पांच छह टेस्ट लेने हैं तीन घंटे के, तब जाके 90% से ऊपर निकलेंगे, नहीं तो निकलेंगे नहीं, पक्की बात है। और चीज सुन लो, हाँ बताना भूल गया, अभी कल याद आई आपसे, थापर कॉलेज में 50% सीट सिर्फ सीबीएसई के बेस के परसेंटेज पे मिलेंगी, आधी सीटें मेंस पे हैं, आधी सीटें सिर्फ सीबीएसई के पेपर पे हैं, तो आप देख लो आपके पास दो रास्ते हैं एंट्री के, और कई कॉलेज हैं जो सिर्फ बोर्ड के नंबर पे एंट्री देती हैं,
पढ़ लो, अब प्लस टू भी पढ़ लो, कुछ ना मना, कम से कम एक सीट तो बनेगी। पर्सन पुशेज अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, तो आप पुश करते हो, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर तक 200 न्यूटन फोर्स लगाता है, ही गेट, उसके बाद वो क्या करता है, वो थक जाता है और फिर वो फोर्स कितनी लगाता है, 100 न्यूटन लगाता है और रिड्यूस लीनियरली, मतलब ऐसे नहीं ड्रास्टिकली चेंज नहीं करता, लीनियरली 200 से 100 कर देता है। टोटल डिस्टेंस बॉक्स 30 मीटर है। What is the work done by person during the total moment of the box? Best तरीका ग्राफ बनाओ। 200 न्यूटन है, पहले वो 15 मीटर तक 200 न्यूटन फोर्स लगाता है, फिर लीनियरली डिक्रीज करता है x तक, 30 मीटर तक। तो लीनियर डिक्रीज करता है, ये 30 मीटर है, ये हो गया। वर्क डन निकाल दो, एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा। वर्क डन आ गया, पॉइंट समझ में आया। सीधा करोगे तो बहुत लंबा है, ऐसे करोगे तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया। डन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन ही करनी है, वर्कडन से भी आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट, मैं ये कह रहा था एफ वेक्टर वाला डॉट डी आर वेक्टर, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, मेडिकल में आसान आता है, नॉन मेडिकल में कैसा आता है वो देख लो, हो सकता है मेडिकल में भी आ जाए, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो मैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर देता इसमें, ये आर वेक्टर, प्रॉब्लम है फोर्स वेरिएबल है, एक्स और वाई की फॉर्म में चल रही है, तो इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेंगी। बेस्ट तरीका बताऊं, आप फोर्स वेक्टर गिवन है ना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, आप पहले एक्स एक्सिस का वर्क डन निकाल लो, वैसे वर्क डन स्केलर है, आप वेक्टर की फॉर्म में ना करें, एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट अलग लगा दें एफ डॉट डी एक्स करके, एफ डॉट डी वाई करके वाई एक्सिस की लिमिट लगा दें, दोनों वर्क डन आ जाएंगे, एक्स के भी दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। एफ फैक्टर गिवन है, एफ फैक्टर गिवन है, आप कुछ ना करें, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, आप इसमें एक काम करें, इसको पहले डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये तो एक स्टेप में कर गया, कैसे, एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर डॉट डी एक्स आई कैप ऐसे कर लो, तो डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहाँ पर, एक्स डी वाई डी एक्स आ जाएगा, ऐसे ही होगा, और वाई की फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा, वाई डी वाई आएगा। कहने का मतलब, अब चलो अलग अलग कर लो, इस वेक्टर को अलग कर लो, ये एक्स एक्सिस की फोर्स है, ये वाई एक्सिस की फोर्स है, सही, एक्स की अलग वाई की अलग कर ली, तो इसको जब आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन एक्स में आएगा और लिमिट लगेगी 1 से 0, 1 से 0 एक्स की लिमिट, फिर आप y की फोर्स ले लो, इसको dy से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया y में और लिमिट क्या लगेगी 0 से 1, आंसर। ठीक है, तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी ना x और y में वेरिएबल फोर्स में, तो आप अलग अलग कर लेना, x का अलग कर लेना, y का अलग कर लेना, फिर क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर है ही नहीं, तो ऐड कर लेना, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो टॉपिक का नाम ठीक लिखा ना उसने, क्या टॉपिक का नाम था, वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, तो आज हमने किया ना कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स में क्या करना है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम वो पूछ रहा है बार बार। सर हाँ जी बोलो सर, हमने उसमें डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाला? हाँ निकाला ना मैंने, निकाला, ये देखो मैंने ओरली कर दिया, ये फैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट को लिखो डी एक्स आई कैप, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई वन है, तो शॉर्टकट लगा दिया मैंने सीधा, डॉट प्रोडक्ट ही लिया मैंने, डी एक्स आई कैप डिस्प्लेसमेंट ली ना मैंने।
डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस में लेनी है स्मॉल, तो डी एक्स लोगे, एक्स एक्सिस के पीछे तो आई कैप ही लगाओगे। तो फोर्स वेक्टर क्या है, ये फोर्स वेक्टर है ये रहा माइनस एक्स आई कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या ले रहे हो डी एक्स आई कैप आई डॉट आई वन, तो यही बचा ना, डॉट प्रोडक्ट ही ले रहा हूं मैं, ठीक। persons A and B perform same amount of work in moving a body through a certain distance d, एक force लगा रहा है 45 degree पे और एक लगा रहा है 60 degree पे, तो ratio of force applied by person A to B is given, तो answer, तो आपने क्या करना है, पहला बंदा force क्या लगा रहा है F A displacement d cos of 45, दूसरा क्या लगा रहा है F B displacement d cos of 60, एक 45 एक 60, d बराबर है F A F B, ratio आ गई, answer। जो आसान क्वेश्चन आया है यार, ऐसा क्वेश्चन आया ना मजा आ जाए, ऐसे ही है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो वर्क डन सेम है तो रेशियो निकल जाएगी फोर्स की, लो फिर से वैसा ही आ गया वेरिएबल फोर्स, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, हाँ एफ वाई, वाई एक्सिस वाई की फॉर्म में गिवन है, और तो आसान है यार, और वाई की लिमिट दे रहा है, एक्स में दिया ही नहीं, तो सिंपल है, क्या करेंगे एफ डी वाई एफ फैक्टर डॉट डी वाई, तो लिमिट लगेगी 0 से 10, इंटीग्रेटर के आंसर, ये भी आसान है यार। तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आज की डेट में हमें फोर्स x या y में गिवन हो तो भी आ गया, y की फॉर्म में गिवन है तो भी आ गया, x की फॉर्म में गिवन है तो भी, इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स आ गया तो हमें पता है कि क्या करना है, पुराने पेपर ही दे सकते हैं ऐसे एक्सपीरियंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, क्या क्रिकेट बॉल जिसका मास 0.15 केजी है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ बॉलिंग मशीन सो दैट इट राइज टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, पता है कि एमजीएच इसमें कुछ वर्क डन होने वाला है, ठीक है, वो वर्क डन किसने किया, वो मशीन ने किया, देखो बॉलिंग मशीन है तो मशीन ही काम कर रही है, इफ द पार्ट पुशिंग द बॉल अप्लाईज अ फोर्स ऑफ एफ ऑन द बॉल एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर व्हाइल लॉन्चिंग द बॉल, तो वो जो मशीन है ना वो क्या कर रही है एफ फोर्स लगा रही है 0.2 मीटर तक, फिर जाके वो बॉल को उछाल रही है, ठीक, तो वर्क डन इस मशीन ने कितना किया एफ इनटू 0.2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन किया, वो सारा वर्क डन किसको मिला, बॉल को मिला, और बॉल ने एनर्जी कितनी गेन की एमजीएच, इक्वेट कर दो एफ आ गया, मतलब मशीन ने वर्क डन किया एफ इनटू एक्स
और बॉल ऊपर उछल गई। ब्लॉक जिसका मास क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 40, स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स विद मासेस इन द रेशियो 1:2। तो क्वेश्चन में गिवन है एक मास है, दो हिस्सों में टूट गया। इफ द स्मॉलर पार्ट मूव 60 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आपको ऐसा फील नहीं आ रहा एक मास टूट गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा कुछ लगेगा इसमें? जब भी कोई बॉम्ब टूटता है पड़ा पड़ा या कोई मास टूटता है मोमेंटम कंजर्व, तो पहले यही कर लेते हैं। तो मास m है, m बाई थ्री और 2m बाई थ्री में टूट गया, तो एक 40 से चल रहा था, एक की स्पीड 60 और दूसरे की सपोज v है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू वी प्लस m इंटू वी, सॉल्व करके v आ गया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 आ गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल ली मैंने m की फॉर्म में। फाइनल क्या है, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ये रही। तो लॉस निकालना है, दोनों को माइनस कर लिया। फ्रैक्शनल लॉस निकालना है तो ये लॉस को इनिशियल एनर्जी से डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शनल लॉस हो गया। ये तो ठीक है क्वेश्चन, मास तो कट जाएगा ना, मास तो कट ही जाएगा एमएमएम। नहीं ऐसे नहीं होता, रेशियो में 1:2 नहीं होता। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहला स्टेप मोमेंटम कंजर्वेशन क्लियर है, मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी आएगी, तो इसकी एनर्जी निकाल लो काइनेटिक, इन दोनों की निकाल लो, तो लॉस निकाल लो, चेंज निकाल लो, चेंज को इनिशियल से डिवाइड कर लो एनर्जी से, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड।
बॉडी जिसका मास m है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ h, तो पोटेंशियल जी कितनी है एम जी एच, रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ v गिवन है, तो कायदे से बनता तो ये था हाफ एम वी एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर होने चाहिए, इसमें बराबर नहीं है तो कुछ लॉस है, तो लॉस निकाल लो। वो लॉस क्यों है, एयर का फ्रिक्शन, तो वही तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितनी है। तो पहले आप ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे आते है कितनी, हाफ इनटू एम वी स्क्वायर इतनी एनर्जी है, और थी कितनी हमारे पास एम जी एच, तो लॉस हो गया, लॉस वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, माइनस कर दो। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो इजी है, ठीक। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम फोर टाइम द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द परसेंटेज इन मोमेंटम, फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, आसान है, तो इसमें लगा लेना k का फॉर्मूला, ये लग गया, तो एनर्जी पहले k है फिर 4k है, मोमेंटम p है फिर p डैश है, तो परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, पुट करके आंसर। हाँ जी सर, इसको हम एरर के मेथड से कर सकते हैं? एरर के मेथड से बहुत बड़ा चेंज है, फोर टाइम्स आएगा नहीं अप्रोक्सीमेट, छोटे मोटे चेंज के लिए एरर लगता है, बड़े चेंज के लिए सही आंसर देगा नहीं। ओके सर, ठीक है, सारे क्वेश्चन थोड़ा आसान आएंगे, है तो ये भी आसान, वैसे डीसी पांडे का क्वेश्चन है, खुल के देख लेना, मिसेस पुणे ने डाउट पूछा हुआ है इसलिए मेरे को इसका आंसर याद है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आंसर आपका सी बी है, देखो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। देखो इसके अंदर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ये टोटल एनर्जी गिवन है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 8 ही रहेगी, और एक्स के साथ रिलेशन गिवन है। मुझे ये साफ पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो काइनेटिक मिनिमम होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी तो यही कह रहे हैं, अगर एक्स लेस देन एक्स वन है तो काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है, तो वो स्लो स्पीड पे चल रही होगी, चाहे जीरो पे चले, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि जब जहाँ पोटेंशियल मैक्स है वहाँ काइनेटिक मिनिमम है, तो आंसर ही बस बन गया। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है, एक बॉल रोल कर रही है, फिर ऑब्स्टेकल आ गया, 5% एनर्जी गई, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल के नई वेलोसिटी निकालनी है, तो ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन के साथ चलेगा, मुश्किल नहीं है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस सी बाय आर है, और किसमें घूम रही है बॉडी, सर्कल में, तो यू से क्या निकलेगी, फोर्स माइनस डी यू बाय डी आर, वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रिपिटल। तो पहला स्टेप यही होगा, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी वो ज़्यादातर एनर्जी देगा, क्यों, क्योंकि वो पहले एनर्जी देगा, आप फोर्स निकालोगे डिफरेंशिएट करके ये आएगी, और ये फोर्स क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से आर और वी का रिलेशन आएगा, तो आर और वी का रिलेशन आप देख लेना, इसमें डी ऑप्शन जो भी पैराबोला मार्क करना है कर लेना। सर पैराबोला तो नहीं हो, हाँ बोलो
ग्रुप में ना बहुत मैसेज आ ही जा रहे हैं आपके नंबर पे। हाँ किसके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? सर आपके वो डॉट डॉट्स आ रहे हैं। मैं समझा नहीं, कहाँ पे? सर ग्रुप में आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप? ओहो, अच्छा मेरी बेटी बैठी होगी छोटी, उसको नहीं पता लग रहा होगा। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ, देना जरा। देखो, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आर और वी का रिलेशन कैसे निकलेगा इसमें? आंसर, इसमें पहले फोर्स निकाल ली, एम वी कैसा इक्वेट किया, उसने आर और वी का रिलेशन पूछा है ना, तो ये आंसर आएगा। चेन वाली प्रॉब्लम, चेन वाली प्रॉब्लम, मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको करना स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम। एक मिनट, स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम देखो, एक मिनट।
आंसर आया। देखो वो कह रहा है कि स्प्रिंग गन है, के गिवन है, मास गिवन है, मास इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। तो आपको ये बताना है कि एक बॉक्स को डी डिस्टेंस पे रखा ताकि बॉल उसके ऊपर गिर जाए, तो ये 2 मीटर हाइट है, तो आधा क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल का ही चलेगा। रेंज निकालनी है। स्प्रिंग आपको एनर्जी देगा, कैसे? आपने दबाया स्प्रिंग को तो हाफ एम वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगी वेलोसिटी। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है कि द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट। तो ये आधा क्वेश्चन किया हुआ है। जब आप यहाँ से वेलोसिटी वी निकाल लेंगे तो आपको क्या निकालना है, ये डी निकालना है। तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा ऐसे। तो ये 2 मीटर है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की 0 है। तो आप एक काम करेंगे, एक इक्वेशन लगाएंगे एक्स एक्सिस में, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको डी निकालना है, वी आपको पता है, टी में निकाल देता हूँ। वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू 0 + ½ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, टाइम। इस टाइम को यहाँ पुट करके वी आप निकाल चुके हैं, डी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप एक काम करें, इस शीट को मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप एक बार इनके क्वेश्चन को प्लीज़ शुरू करें। पेंडुलम वाले सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने याद कर लिया, कुछ हो गया, आपको हर क्वेश्चन को ना करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहे, देखो आप p² / 2m एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक सेम। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो पावर वाला क्वेश्चन आ गया, t^3/2। मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन फिर से आ गया। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ कोलिजन्स के ऊपर और एनर्जीज के ऊपर। यहाँ तक करो ट्राई प्लीज, ठीक है सर। बोलो।